आज की वीडियो में जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल कल के लिए क्या निकल के आ रहे हैं और जानेंगे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन के निकल के आ रहा है। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न बताया था निफ्टी के चार्ट में, आप देख पा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न आपको बताया था और बोला था कि जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न से बाहर आएगी मार्केट हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा मूवमेंट हमें दिखाया, जो मैंने लेवल्स बताए थे बैंक निफ्टी में वही लेवल हमारे यहाँ पे अचीव हुए हैं, आप देख पा रहे हैं जो लेवल बताए थे वहाँ से ही ब्रेकआउट हमें मिला है और ब्रेकआउट होने के बाद बिल्कुल हमारे लेवल के पास बैंक निफ्टी ने आज के दिन क्लोजिंग दिया है। निफ्टी में भी सेम ही हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मोमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया और जो लेवल्स मैंने बताए थे उसी लेवल को यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। कल के लिए क्या प्लान हो सकता है हमारा ट्रेडिंग के लिए ये हम जान लेते हैं। ये सारे लेवल्स मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब जो है नए लेवल्स बनेंगे, कल से जो है बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी तो नए लेवल्स बैंक निफ्टी में भी बनेंगे, तो हम ये सारे लेवल्स यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देख लेते हैं कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में बैंक निफ्टी के चार्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बिल्कुल इसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक बार रिकवरी आ चुकी है और मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया हुआ है यहाँ से, तो हो सकता है कल के दिन फिर से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिले। 50 डेज की मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है और 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी करती भी है तो रेजिस्टेंस को टच करके यहाँ पे डाउनसाइड आ सकती है, जो दोनों ही मूविंग एवरेज है उनको टच करके डाउनसाइड का एक मूवमेंट फिर से दिखा सकती है। ये एक रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है और यहाँ से मार्केट इस तरह से मूवमेंट दिखा सकती है। अगर ये दोनों ही मूविंग एवरेज अपसाइड ब्रेकआउट हो जाती है तो एक अप ट्रेंड भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन हम कॉल साइड तब भी जाएंगे जब ये दोनों ही मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हो जाएगी अपसाइड, उसके बाद जो है मार्केट एक अच्छा बड़ा मूवमेंट हमें दिखा सकता है, मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। लेवल में बता देती हूँ यहाँ पे लेवल क्या बनने वाले हैं, यहाँ पे मैं लेवल अगर मार्क करूँ तो हमें लेवल नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में सपोर्ट बन के जो लेवल नज़र आ रहा है पहला वो है 46,895 का, ये लेवल हो सकता है। यहाँ पे छोटा सा हल्का सा आपको जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिला है, वो एक फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ से हो सकता है मार्केट एक रिकवरी भी दिखा दे। तो जिन्होंने इस ब्रेकडाउन को देख के एंट्री ली होगी पुट साइड वो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं कल के दिन। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो बिल्कुल आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हो उसका हाई ब्रेक होते ही, और हमारा पहला टारगेट जो है ये 200 दिन की मूविंग एवरेज या फिर 50 डेज की मूविंग एवरेज, ये हमारा पहला टारगेट होने वाला है अप ट्रेंड में। लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए तो हमें नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस पहला यहाँ पर बन के निकल के आ रहा है 47,161 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 47,486 का निकल के आ रहा है, और उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 47,804 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये तीनों ही रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे हमारे पास सपोर्ट क्या निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में, अगर हम देखें तो यहाँ पर नज़र आ रहा है बिल्कुल 46,594 का सपोर्ट पहला सपोर्ट है। उसके बाद नीचे अगर सपोर्ट की बात करें, अगर बैंक निफ्टी और डाउन साइड आना चाहती है कल के दिन तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास 46,074 का निकल के आ रहा है। यहाँ तक के सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी हमें मूवमेंट दिखा सकती है। एक हल्का सा सपोर्ट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको ये रेड वाली कैंडल दिख रही होगी, यहाँ पे भी हल्का सा सपोर्ट नज़र आ रहा है जो है 46,261 का, यहाँ तक का मूवमेंट दिखा सकती है या फिर यहाँ तक भी बैंक निफ्टी हमें मूवमेंट दिखा सकती है। स्टॉप लॉस को अगर आपको ट्रेल करना आता है तो आप यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, वरना ये जो फर्स्ट लेवल है यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप बिगनर्स हो तो बैंक निफ्टी में ये सारे लेवल निकल के आ रहे हैं दोस्तों। बाकी जो अभी ट्रेंड हम समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड ही हमें नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में। कल के दिन मैंने ये चार्ट पैटर्न बताया था आपको और बोला था कि चार्ट पैटर्न बन के निकल के आ रहा है, अगर चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें एक डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और बिल्कुल हमने ये मूवमेंट आज के दिन कैप्चर किया।
कंफर्मेशन भी बताया था, 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया था कल के दिन, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया था कल के दिन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट डाउन साइड आती है इस सपोर्ट के नीचे, इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, और बिल्कुल मार्केट ने वही मूवमेंट हमें दिखाया है। निफ्टी में भी बताया था कि निफ्टी ने यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है और यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस से आप देख पा रहे हैं मार्केट ओपन हुई और यहाँ से एक डाउनफॉल दिखाया। जिन्होंने भी यहाँ पे मतलब कॉल साइड एंट्री ली होगी इस कैंडल को देख के, ग्रीन वाली कैंडल को देख के कॉल साइड एंट्री ली होगी, उन्होंने वो यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे दोस्तों। और ये ट्रैप के बारे में भी मैंने कल की वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो सारे ट्रैप हो सकते हैं अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो, और ये एक ट्रैप हो सकता है, ये भी मैंने क्लियरली कल के एनालिसिस वीडियो में निफ्टी में बताया था। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो ये ट्रैप बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप बन रहा है, ये ट्रैप था, यहाँ पर बायर्स को बिठाया गया है और उसके बाद मार्केट को नीचे लाया गया है। तो ये ट्रैप से बचने का तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 50 डेज की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है मार्केट में और किस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज के बारे में, उस वीडियो को जाके भी आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 930 की स्ट्रेटेजी सिखा रखी है, बोलिंजर बैंड है, RSI है, जितने भी इंडिकेटर है सारे इंडिकेटर के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो उन वीडियो को। ऑप्शन चंडेता के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जाके देखिए, डेली ऑप्शन चंडेता को देखिए आप किस तरह से प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो, वो मैंने सिखा रखा है उसमें, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। चार्ट पैटर्न के बारे में वीडियो बना रखी है, सारे के सारे चार्ट पैटर्न जो होते हैं जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न, एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, सारे जितने भी चार्ट पैटर्न हैं उन सारे चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है, कब वर्क करती है, कब वर्क नहीं करती, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप सारी वीडियो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आई बटन में वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, एंड स्क्रीन में भी वीडियोस मिल जाएगी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखे दोस्तों, जो पेड कोर्स में भी नहीं सिखाई जाती वो सारी स्ट्रैटेजी दोस्तों मैं आपके लिए लेके आती हूँ, डेली एनालिसिस वीडियो देख के आती हूँ, तो एक वीडियो को मिस मत किया कीजिए। अगर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो डेली मेरे चैनल के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तब आप जाके मार्केट को धीरे धीरे सीख पाओगे, समझ पाओगे। क्रॉसओवर के बारे में मैंने सिखा रखा है, मूविंग एवरेज की जो वीडियो है उसमें क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट किस तरह से बड़ा मूवमेंट हमें दिखाता है वो मैंने सिखा रखा है वीडियो में, आप उसे भी जाके देख सकते हो, ये भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। निफ्टी ने भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो चार्ट में, और निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21,927 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे हो। और उसके बाद अगर निफ्टी डाउन साइड आती है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास होने वाला है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट सपोर्ट भी आपको लेवल ड्रॉ करके बता देती हूँ कि नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी में क्या बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें निफ्टी में तो डायरेक्टली हमारे पास 21,802 का सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक निफ्टी हमें मूवमेंट दिखा सकती है और फिर यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक निफ्टी मूवमेंट दिखाए और फिर यहाँ से एक रिकवरी आ जाए, या फिर हो सकता है मार्केट जो है इस लेवल तक आए जो है 21,700 के आसपास का लेवल, मैं यहाँ पे लेवल ही ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट तक आए जो है 21,655 का, यहाँ तक आने के बाद यहाँ से भी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो निफ्टी में सपोर्ट, ये तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, पहला सपोर्ट है 21,927 का, दूसरा है 21,802 का और तीसरा है 21,655 का। ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमारे पास 22,119 का बन रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस अगर बात करें तो यहाँ पे 22,396 का बन के निकल के आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 22,522 का बन के निकल के आ रहा है, लेकिन हम कॉल साइड एंट्री कब लेंगे, निफ्टी में थोड़ा सा रिस्की होगा दोस्तों आपके लिए कॉल साइड एंट्री लेने के लिए, क्योंकि आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर आप यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अप ट्रेंड में एंट्री लेते हो, कॉल साइड एंट्री लेते हो, तो इस रेजिस्टेंस से निफ्टी फिर से
से डाउनसाइड आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है दोस्तों, और ऊपर आप देख पा रहे हो 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है जो है क्रॉस ओवर हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉल साइड एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट फिर से डाउन साइड आ सकती है। तो ये एक रिस्की ट्रेड होगा अगर आप कॉल साइड एंट्री लेते हो। हाँ, सेफ ट्रेड कब होगा? जब 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाए प्राइजेक्शन के साथ, तब आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट आपका 22,396 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 22,522 का होगा निफ्टी में। तो ये दोनों टारगेट आप अचीव कर सकते हो, लेकिन ब्रेक होना चाहिए, दोनों ही मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो जाती है प्रॉपरली तो हम यहाँ पे कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। निफ्टी में भी मैंने ये फेक ब्रेकआउट बताया था, आप देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर फेक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, लोगों को बायर्स को यहाँ पे बिठाया, और यहाँ से फिर मार्केट ने डाउनसाइड का मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आज के दिन दिखाया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो जो है कैपिटल ज़ीरो करना था और मार्केट को कमाना था अच्छे से, तो इसलिए एक्सपायरी के दिन, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास किया मार्केट ने, उस दिन आप देख पा रहे हो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज जैसी ही थी, और यहाँ पे साइडवेज होने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो जब भी मार्केट साइडवेज होती है, यहाँ पे आपका टाइम डीके होता है दोस्तों, टाइम डीके होने की वजह से आपका कैपिटल जो है धीरे धीरे लॉस होने लगता है, और उसके बाद साइडवेज मार्केट के बाद जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने, आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो। चार्ट पैटर्न में अगर बात करूँ तो हेड एंड शोल्डर के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, हेड एंड शोल्डर किस तरह से वर्क करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंट। तो ये वीडियो भी मैंने बना रखी है हेड एंड शोल्डर के बारे में, उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। फेक ब्रेकआउट से किस तरह से बचा जाए उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और साइडवेज मार्केट से किस तरह से बचा जाए उसके लिए भी मैंने इंडिकेटर बता रखा है, उस वीडियो को भी आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूरी है अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हो। तो ऑप्शन चंडेता देख लेते हैं, ऑप्शन चंडेता क्या कह रहा है यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चंडेता की बात करें तो निफ्टी के ऑप्शन चंडेता में 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठा हुआ है, दोनों ही तरफ आप देख पा रहे हो। तो 22,000 के लेवल पे थोड़ा सा फाइट हो सकता है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट लेवल है 22,100, और उसके बाद आप देख पा रहे हो कंटिन्यू यहाँ पे हर एक 50 पॉइंट पे हमें ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो मार्केट अगर 20,100 आती है, डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और मार्केट अगर समझ लीजिए 21,800 आती है, क्योंकि 21,800 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, तो मार्केट अगर 21,800 आती है डाउन साइड, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है 21,800 पे। ये अभी तक का ऑप्शन चंडेता निफ्टी का कह रहा है, वैसे लाइव मार्केट में ऑप्शन चंडेता चेंज होता रहता है, तो ऑप्शन चंडेता को लाइव मार्केट में ही ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है वो मैंने वीडियो में सिखा रखा है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो आप फ्री में कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी, आप व्हाट्सअप करके हमारा फ्री में कोर्स भी ले सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आप बिगिनर्स हो एक ही लॉट में काम कीजिएगा, 0-0 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि आज के दिन मार्केट ने एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दिया है, तो हो सकता है कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन एक थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है, आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, तो दोनों में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा संभल के ट्रेड लेना चाहिए आपको एक्सपायरी के दिन, और बिल्कुल भी 0-0 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कल बैंक निफ्टी की जो है नई एक्सपायरी शुरू होने वाले, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नए बनेंगे, तो हमें कल ही ऑप्शन चंडेता में लाइव मार्केट में पता चलेगा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं और कहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे 20 मार्च का अगर ऑप्शन चंडेता देखूँ तो हमें पता चल जाएगा, थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 46,500 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, इस तरफ अगर हम देखें तो डायरेक्टली 47,500 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट जो है 47,000 से अगर डाउन साइड जाती है तो 46,500 का सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड दिखा सकती है, ये मुझे अभी तक का ऑप्शन चंडेता कह रहा है। और अगर मार्केट
47,000 अगर गलती से चली जाती है, 47,500 चली जाती है, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ये अभी तक का ऑप्शन चिन्ह तक कह रहा है। वैसे कल नई एक्सपायरी बैंक निफ्टी की शुरू हो रही है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो सकते हैं लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना है, वो मैंने वीडियो में सिखा रखा है किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना चाहिए ऑप्शन चिन्ह तक को, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो डेली बेसिस पर। वैसे डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डेरिवेटिव मार्केट में हमें नज़र आ रहा है थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। हो सकता है कल के दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे क्योंकि निफ्टी की भी एक्सपायरी है और कल जो है बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करे, साइडवेज रहे और सबके प्रीमियम खाने की कोशिश करे। तो कल के दिन जो है मार्केट में थोड़ा सा संभल के ट्रेड लेना ज़रूरी है। तो यही था दोस्तों वीडियो में। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। व्हाट्सअप नंबर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, व्हाट्सअप करके आप हमारा फ्री में कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्री में कोर्स लेने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।